नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो बात करने वाले हैं इस वीक के सेक्टोरियल व्यू में। लास्ट वीक हमारा इंडेक्स ने कैसे कामकाज किया और आने वाले वीक में हमें इंडेक्स से कहाँ से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है या कौन सा सेक्टर हमें वीक होता हुआ दिख रहा है, इसको समझ लेंगे चार्ट पे। और दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। ये जो मैं सेक्टर वाइज आपको जो वीडियो हर वीक ला रहा हूँ, ये आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि इंडेक्स पे कैसे फंड आता है, किस तरह से इंडेक्स से हमें सपोर्ट मिलता है, तो हम स्टॉक की तरफ जब मूव करेंगे तो आपको समझ में भी ये भी आ जाएगा कि इंडेक्स से कहाँ से हमको सपोर्ट लेके किस स्टॉक में प्ले करना है, ताकि हम शॉर्ट टर्म में भी अपना अच्छा मुनाफा कमा सकें। आप कोई भी स्टॉक कहीं भी किसी भी लेवल से ले लें, लॉन्ग टर्म में आप ले लें कहीं से भी, लेकिन आप याद रखिए उसके सपोर्ट से लेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगा। आपको नहीं पता क्या होता है, नए बिगिनर्स जब आते हैं वो कहीं से भी स्टॉक को चुन लेते हैं, फिर जब वहाँ से करेक्शन में आ जाता है मार्केट तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, लॉस में निकल जाए। देखिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आपका स्टॉक कहीं नहीं जा रहा। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक में आप घुसे हैं तो आप अपने पे बिलीव रखिए और मार्केट में बिलीव रखिए। और ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं या अदर कोई साइट्स पे पेनी स्टॉक के बारे में काफ़ी चलता है, थोड़ा सा अवॉइड किया कीजिए। नए हैं, बिगनर हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग जो भी शेयर्स हैं उस पे लगाएं पैसा। कुछ समझ में नहीं आता, ब्लू चिप की है आपको जितनी भी कंपनीज हैं उसमें आप शेयर में इन्वेस्ट कर दें, आज ना कल वो रिटर्न आपको अच्छा देगा ही देगा। बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमें आगे कैसे कामकाज करना है, निफ्टी के इंडेक्स हमें किस तरह से कहाँ पे कौन सा लेवल पे जाते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों, निफ्टी अभी अगर मैं देखूं तो आपको जो करेक्शन आया था, आपको 1700 पॉइंट का, 1800 पॉइंट का करेक्शन था, उससे अभी आपको रिकवर कर चुका है और ये लगभग 400 पॉइंट के रिकवरी में चल रहा है। और बैंक निफ्टी में भी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो आपको 6000 पॉइंट का, लगभग 6500 पॉइंट का करेक्शन था, उससे ये रिकवर करके आपको 1500 पॉइंट के ऊपर अभी चल रहा है। मैं जो भी चार्ट आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता हूँ। जो मैंने आईटी का, ऑटो का, मेटल का, एफएमसीजी का, फार्मा का और रियल्टी का जो इंडेक्स का चार्ट में रखा हूँ पहले वीक से और अब तक सेम रखा हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि लेवल से कैसे काम काज होता है, जो बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो किस तरह से मार्केट में काम काज करते हैं, उनका भी अपना एक लेवल क्या होता है, जिससे वो जो हम कहते हैं उसकी सप्लाई और डिमांड की जोन होती है वो क्यों इंपॉर्टेंस होती है, हम लोग को भी देखना, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, पहले इंडेक्स है हमारा आईटी का। तो आईटी मैंने आपको पहले से बता के रखा था कि 34500 के लेवल पे ये हर बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से भी सपोर्ट लिया और इस वीक भी ये सपोर्ट लेके मैंने बताया था आपको कि 36000 का लेवल जैसे ही निकलता है और ये बार बार अगर आपको 36000 के लेवल से अगर सपोर्ट लेता है तो आपको ये 37500 के लेवल की तरफ आसानी से जाएगा। और जिनको तेजी करनी है, मतलब आईटी के स्टॉक में निवेश करना है, उनको 37500 के ऊपर कीजिए, आपको मोमेंटम गारंटी मिलेगा। आप देखिए, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ये 34500 से ये सपोर्ट लिया, 36 के लेवल पे आके ये कंसोलिडेट कर रहा है और मैंने आपको बता के रखा 36 पार करेगा और ये री सपोर्ट लेके यहाँ ऊपर जाएगा। फ्लैग एंड सॉरी पोल एंड फ्लैग का ये अगर पैटर्न बनाता है तो ये आपको 37500 के लेवल तक अगर आ जाएगा तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब ये इसको तोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेलर का पॉइंट है, जब ये टूटेगा तो आपको मोमेंटम आगे की तरफ मिलेगा। ओके दोस्तों, आगे हमारा ऑटो का स्टॉक। ऑटो का स्टॉक पे लास्ट टाइम मैंने बात किया था कि ये अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया था जब कोरोना के नए वेरिएंट की न्यूज आई थी। उसके बाद इसने अपने सपोर्ट 10500 के लेके आपको यहाँ पे कंसोलिडेट किया एक हफ्ता, लेकिन इसने बाउंस बैक किया है, ये अब ऊपर की तरफ चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये अभी कंसोलिडेट करेगा, अभी रेंज में कामकाज करेगा जब तक पूरे तरीके से हम कोरोना के न्यूज से निकल नहीं जाते। और इसमें अगर किसी को तेजी करनी भी है तो 11500 के ऊपर ही आपको मोमेंटम मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि आपको ये जो लेवल है ये आपको यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, अब ये इस तरह से कामकाज करेगा। तो जिनको ऑटो के स्टॉक में निवेश भी करना है तो वो इस लेवल से बाइंग करेंगे और इस लेवल पे सेल करेंगे, अगर स्विंग ट्रेड के लिए आप देख रहे हैं। ये इसी तरह कामकाज करेगा, अगर ये लेवल टूटेगा ऊपर का लेवल तो आपको तेजी करनी है, और नीचे का लेवल अगर टूटता है तो आपको यहाँ पे मंदी होगी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट मेटल। ये देखिए, पूरी जो चार्ट है मैंने कोई भी डिलीट नहीं किया है, आप लास्ट वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं, मैंने जिस तरह से चार्ट बना के रखा था वैसे ही इंडेक्स भी काम काज कर रहा है, जरा सा भी मैंने चेंज नहीं किया, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं।
इसको आप एक्सपीरियंस समझे बस। ये देखिए मैंने आपको बताया था ये रेंज में फंसा हुआ है और जैसे ही न्यूज आती है उसी रेंज के हिसाब से काम काज कर रहा है। ये देखिए इस वीक फिर से यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इस लेवल तक पहुंचेगा। अगर यहाँ तक कोई अच्छी न्यूज नहीं आती है 6,000 के लेवल पे तो ये तोड़ेगा नहीं, फिर वापस से ये नीचे की तरफ आने लगेगा। तो जिनको तेजी करनी है वो अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि यहाँ पर 5,700 के लेवल को देखें, यहाँ से अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाएगा तभी यहाँ से तेजी करें, और सेलिंग भी नहीं करनी है, आपको होल्ड रखना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा एफएमसीजी का। तो एफएमसीजी में लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, और आप देखें ये इसमें ऑलमोस्ट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया है। और मैंने आपको बताया था ये इस जोन में वापस आएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट थोड़ा करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा अभी न्यू वेरियंट से इसको जिस तरह से न्यूज आएगी उसके हिसाब से ये काम काज करेगा। और जब ये इस जोन को तोड़ेगा 40,000 के ऊपर, तब आप इसमें स्टॉक में इसके जो रेलिवेंट स्टॉक है उसमें आप तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्मा का। फार्मा का आपको मैंने बताया था कि ये न्यूज के हिसाब से कामकाज करेगा, न्यूज अगर कोरोना के लेके नेगेटिव रहेगी तो फार्मा पॉजिटिव रहेगा, आईटी पॉजिटिव रहेगा, तो उसी हिसाब से इस जोन में कामकाज करेगा। ये जैसे ही आपको 13,200 का लेवल तोड़ेगा तो ये सेलिंग प्रेशर और झेलेगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है इसमें पहले से, तो इसमें मेरी कोई भी इसमें फार्मा के अभी स्टॉक में निवेश की राय नहीं है जब तक ये 14,100 का लेवल ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता है। उसके बाद है हमारा रियल्टी। तो रियल्टी भी आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था ऑलरेडी इसका 490 के आसपास सपोर्ट था, ऑलरेडी ये सपोर्ट रीटेस्ट होके ऊपर के तरफ है, तो ये यहाँ से देखिए सपोर्ट लेके आपको 545 के लेवल तक जाएगा। तो ये भी इसी जोन में कामकाज करेगा जब तक ये वेरिएंट की न्यूज चलती रहेगी, तो इस तरह का कामकाज रहेगा। और आपको इसी तरह से इंडेक्स के सपोर्ट से आपको बाइंग करनी है और उसके रेजिस्टेंस के आसपास सेल आउट करना है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें और कमेंट करके काइंडली बताएं कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बना के दूंगा, ताकि आपको लेवल जान सकें कि किस लेवल पे हमें बाइंग करनी चाहिए और किस लेवल पे हमको सेलिंग करनी चाहिए। और अगर कोई भी तरह का आपको डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके काइंडली पूछा करें, मेरी कोशिश रहती है आपको इंस्टेंटली जवाब देने की। और अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना फास्ट रिप्लाई कर सकूँ आपको मीन वाइल अपने फ्री टाइम में, तो मैं कर देता हूँ। और जो नए हैं मेरे चैनल को कैंडी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो मैं दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो।